उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश भर में कुल 11,600 बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 632 उम्मीदवारों में से 105 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनकी जानकारियां निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि आपराधिक मुकदमों में चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर इस तरह के व्यक्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा और चुनाव के लिए उन्हें टिकट देने का कारण भी बताना होगा। द्वारा हमें जो गाइडलाइंस मिली है उसके अनुसार हमें जो भी क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स के साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनको खुद को और उनका जो पार्टी जो उनको स्पॉन्सर किया उन दोनों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन सार्वजनिक करनी है, तो वो एफिडेविट में भी ये पूरा डिटेल्स दे देंगे और इसको हम एनकोर में अपलोड भी कर लेंगे ताकि नो योर कैंडिडेट करके जो ऐप है उसमें भी पूरा इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो टोटली 632 कैंडिडेट्स में हमें 105 कैंडिडेट्स का पूरा डिटेल्स मिल चुका है जिसपे क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स का, तो ये हम पार्टी से भी C7 फॉर्म्स उसका ले रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनको फरवरी 1 से लेके फरवरी 12 तक 3 बार अपना ये जो डिटेल्स है वो एक वर्नैक्युलर पेपर में और एक नेशनल न्यूज़पेपर में इसको छपवा के अपना आरओ को इन्फॉर्म करनी है, तो वो प्रक्रिया भी चालू है। इसका उद्देश्य क्या है मैडम, क्यों ये ऐसा सार्वजनिक करना पड़ रहा है? ये कमीशन का गाइडलाइंस है कि कोई भी कैंडिडेट है तो उनके बारे में उनका जो एसेट्स है, उनका जो लायबिलिटीज़ है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और उनका क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स है वो सभी जनता को पता रहे ताकि वो जब किसको वोट करना है डिसाइड करेंगे तो सभी इन्फॉर्मेशन के साथ वो अपना वोट कास्ट करें। मैम पार्टी वाइज कितने चैलेंजिंग है मैडम? हमारा पूरा चुनाव का तैयारियां है, हमारा 11,000 से ज़्यादा जो बूथ है उसमें 7,000 से ज़्यादा जो बूथ है वो बाई फुट है, मतलब मोटरेबल रोड से उसके बाद बाई फुट जानी है, तो इस बार हम सभी उन बूथ जहां पे 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल जाना है वहां पे जो हमारा कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट और जो VVPAT है उसको ले जाने के लिए हम बैग्स भी उनको दे रहे हैं ताकि उसको बैग में डाल पाए, वो बैग पे डाल पाए और उनका हैंड्स फ्री रहे ताकि सुविधा से वो चल सके। और जो ये जो स्नोफॉल सब हो रही है अभी हमारा जो टीम्स है जो पोस्टल बैलेट को कास्ट करवा रहे हैं 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और कोविड प्लस का, तो उनका टीम्स ये मूवमेंट में है तो कहीं पे भी स्नो फॉल्स है तो हमारा जो JCBs और बाकी चीज़ को लगा के उसको रोड क्लियरेंस कराना ताकि और ट्रैकिंग रूट्स को भी क्लिक साफ कराना ताकि हमारा टीम्स हर जगह पर पहुँच जाए, इसका कोशिश हम कर रहे हैं।